हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली गर्ग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्वाल्ड प्रोसेस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ये जो प्रोसेस होता है ये समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइस, यहां पे मैंने तीनों स्टेप्स भी लिख रखे हैं, साथ में ऑस्वाल्ड प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट भी बनाया है। तो दोनों चीजों को मैं आपको साथ में समझाऊंगी। गाइस, जो फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, दैट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया गैस होती है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। गाइस, देखिए फ्लो चार्ट को भी आपको साथ में समझाती हूँ। गाइस, एक साइड से ड्राई अमोनिया गैस को पास करवाते हैं और दूसरी साइड से ड्राई एयर को पास करवाते हैं, और जो ड्राई एयर होती है ये बिल्कुल डस्ट फ्री एयर होती है। गाइस, जो ड्राई अमोनिया गैस का वॉल्यूम लेते हैं दैट इज 1 वॉल्यूम, और जो ड्राई एयर का वॉल्यूम लिया जाता है दैट इज 10। तो अगर रेशियो पूछा जाए कि ड्राई अमोनिया गैस और ड्राई एयर का रेशियो क्या होता है बाय वॉल्यूम, तो दैट इज 1:10। और अगर ड्राई एयर इज टू ड्राई अमोनिया गैस का रेशियो पूछा जाए तो 10:1। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि पहले क्या पूछा जा रहा है। अगर पहले अमोनिया पूछा जा रहा है बाद में एयर, तो 1:10 लिखना है आपको, और अगर पहले एयर आ रहा है बाद में अमोनिया आ रहा है तो 10:1 लिखना है। क्लियर? तो एक साइड से ड्राई अमोनिया गैस पास कर रही है और दूसरी साइड से ड्राई एयर। फिर गाइस, ये जो दोनों गैसेस होती हैं ये आपस में कंप्रेस होती हैं। पहले इसका कंप्रेशन होता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि दोनों गैस आपस में कंप्रेस हो जाए। फिर ये मूव ऑन करती है फर्स्ट चैम्बर में, जिसको कहा जाता है कैटालाइटिक चैम्बर। तो गाइस, जो फर्स्ट चैम्बर आता है दैट इज कैटालाइटिक चैम्बर, और इसी चैम्बर में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो गाइस, देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ड्राई एयर है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज प्लैटिनम। याद रखिएगा, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस, ये जो रिएक्शन होती है ये 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। तो गाइस, ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर रही है, यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में। आगे ये भी गैस है, साथ में वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है और हीट लिबरेट होती है। तो गाइस, ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है। अब आप सोचेंगे कि हीट दे भी तो रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर जो हीट लिबरेट होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अमोनिया गैस किस में कन्वर्ट हो रही है जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में। कंडीशन क्या है, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है। ठीक है गाइस, ये जो रिएक्शन है मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, कैटालाइटिक चैम्बर में ये रिएक्शन हो रही है। अब क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो गाइस यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है ये आगे मूव ऑन करती है और यहाँ पर ये जाती है हीट एक्सचेंजर में। गाइस, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वहां से एयर और आती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फर्दर एयर के साथ कंबाइन कर जाती है। फिर ये मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन चैम्बर। इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर या फिर ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कहा जाता है। तो गाइस, जो सेकेंड स्टेप होता है इसमें, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि जो हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये फर्दर एयर पास करवाई जाती है एक साइड से, तो एयर के साथ फर्दर कंबाइन होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कौन से चैम्बर में, ऑक्सीडेशन चैम्बर या फिर ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कहा जाता है। तो गाइस, देखिए ये हो गई नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैस है, ये होगी ऑक्सीजन जो कि अगेन गैस है। यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज किया जाता है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, और गाइस यहाँ पे फॉर्म होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि कन्वर्ट हो रही है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, वो भी कौन से चैम्बर में, ऑक्सीडेशन चैम्बर में। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही रिएक्शन लिख रखी है। क्लियर?
अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये फर्दर आगे की तरफ मूव करती है, फिर ये नेक्स्ट आगे एक और चैम्बर में जाती है जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है ये फर्दर आगे मूव करी और ये कहाँ पर जाती है, एब्जॉर्प्शन टावर में। अब गाइस एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, ये स्टील का टावर होता है जिसमें बहुत सारे स्क्वार्ट्स स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्टोन्स होते हैं, स्क्वार्ट स्टोन्स। और गाइस इस टावर में वार्म वाटर भी डाला जाता है। तो जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्योंकि इस टावर में गर्म पानी डाला जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये वाटर में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये वार्म वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और क्या फॉर्म हो जाता है, नाइट्रिक एसिड। तो गाइस यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो इस टाइप से नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। गाइस ऑक्सीडेशन टावर में जो स्क्वार्ट स्टोन्स होते हैं ये एसिड रेजिस्टेंस होते हैं, साथ में इनका जो फंक्शन होता है दैट इज इट हेल्प इन डिसॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली इन वाटर। ये जो स्टोन होते हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व होने में हेल्प करते हैं ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यूनिफॉर्मली वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये वार्म वाटर डाला जाता है इसमें, तो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्लियर गाइस। तो ये जो रिएक्शन है मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, एब्जॉर्प्शन टावर में ये रिएक्शन हो रही है, इसके थ्रू फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे ये जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है ये अबव 50% कंसेंट्रेटेड होता है। यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ये कंसेंट्रेटेड होता है, कितना, अबव 50% कंसेंट्रेटेड होता है। फिर इस नाइट्रिक एसिड का फर्दर डिस्टिलेशन करवाया जाता है, फर्दर डिस्टिलेशन करवाने पर जो नाइट्रिक एसिड का कंसेंट्रेशन पहुंच जाता है दैट इज 68%, मतलब 68% नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड हो जाता है। अब फर्दर उसको और कंसेंट्रेटेड बनाते हैं तो उसका फर्दर और डिस्टिलेशन करवाते हैं ओवर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। फर्दर डिस्टिलेशन करवाया तो जो नाइट्रिक एसिड फिर फॉर्म होता है वो 98% कंसेंट्रेटेड होता है। आप चाहते हैं कि 100% कंसेंट्रेटेड हो जाए, तो गाइस जो 98% जो वाला नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कूल करा जाता है अबाउट -42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब स्ट्रॉन्ग कूल करते हैं उसको तब जाके 100% नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड फॉर्म हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो कितना कंसेंट्रेटेड होता है, अबव 50% कंसेंट्रेटेड होता है, जिसका फर्दर डिस्टिलेशन करवाते हैं जो कि 68% कंसेंट्रेटेड हो जाता है। गाइस ये जो 68% कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है यही नाइट्रिक एसिड लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। नॉर्मल जो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो यही वाला लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है। फिर इसको फर्दर अगर और कंसेंट्रेटेड बनाना है तो इसको और फर्दर डिस्टिलेशन करवाते हैं इसका ओवर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 98% फॉर्म हो जाता है कंसेंट्रेटेड। फिर उसको स्ट्रॉन्ग कूल करवाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है दैट इज -42 डिग्री सेल्सियस, तो 100% कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है जो कि बिल्कुल प्योर होता है। क्लियर गाइस, यहाँ पर आप लोगों को जो स्टेप्स है तीनों स्टेप्स याद रखिएगा, साथ में रिएक्शन विद कंडीशन, क्योंकि ऑस्वाल्ड प्रोसेस में स्टेप पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, विद रिएक्शन एंड कंडीशंस। और गाइस जो रिएक्शन आप लिखें हर एक रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा, मैंने ऑलरेडी रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है, आप लोगों को याद रखना है कि जब भी रिएक्शन लिखें तो बैलेंस करके लिखिएगा और जिस रिएक्शन में कंडीशंस है तो उसमें कंडीशंस को मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर, तो गाइस ये हो गया पूरा ऑस्वाल्ड प्रोसेस, तो इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।